और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर कोरोना के 42 मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में एक, बिल्हा में तीन और मसूरी में 38 मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मामलों की पुष्टि कर दी है। हर दिन मिल रहे कोरोना के नए मरीज यहां पर, जिसके चलते संक्रमण का खतरा इस दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक साथ 42 नए मामले कोरोना पॉजिटिव, बिलासपुर में एक, बिल्हा एक और मसूरी से एक साथ 38 मरीज मिले हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और लगातार छत्तीसगढ़ में आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और ज्यादातर लोग वही मिल रहे हैं जो बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं। फिलहाल इन सभी लोगों को कोविड केयर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। कोरोना को लेकर जो अस्पताल है उसमें इनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इन सभी लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो एक साथ एक कोरोना बम बनकर फूटा है। शैलेंद्र पाठक जरा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बिलासपुर से फोन लाइन जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक साथ 42 मरीज सामने आए बिलासपुर से, इससे पहले भी क्या इतनी तादाद में आंकड़ा सामने आया है? पहली मरतबा है ये? पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बिलासपुर में जो आए हैं जो संक्रमित जो है, और इसको लेकर के अब ये क्योंकि लोकल लोग भी इसमें आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है जो तहसीलदार भी आ गया है कोरोना पॉजिटिव, तो वो जो मजदूरों को लाने ले जाने के उसमें लगे व्यवस्था में लगे हुए थे वो इससे संक्रमित हुए हैं। और पीएस विभाग के पास हड़कंप इस बात के लिए बच गया है कि आखिर वो किससे किससे संपर्क में रहे, तमाम कितने लोग क्योंकि लगातार ड्यूटी करते रहे, बड़े अफसरों के साथ साथ में रहे, तो ये बड़ा पुलिस स्वास्थ्य विभाग के लिए छानबीन का विषय हो गया है, जांच का विषय हो गया, बड़े स्तर पे जांच का विषय हो गया है कि कितने लोग इनके साथ थे और कौन कौन लोग बहुत मरे हुए थे संक्रमित हुए हैं, और जो मजदूर हैं वो जो प्रवासी मजदूर है वो संक्रमित नजर आए हैं। इसमें एसपीपीटी के डॉक्टर इसमें संक्रमित हुए हैं। तो ज्यादातर जो ये है कि जो प्रवासी मजदूर है उनकी व्यवस्था में जो लोग लगे थे उसके वजह से, और डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उनकी वजह से संक्रमित हुए हैं। तो एक बड़ा रिपोर्ट ये कम से कम सामने आया है कम से कम, और इसको लेकर के अब एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत समझ में आ रही है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार जो बड़े पैमाने पर रोज सेंचरिंग कर रहा है और स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन जो ये आज बड़ा रिपोर्ट हुआ है जो 40-42 लोगों का, वो एक बड़ी चीज कम से कम स्वास्थ्य विभाग के लिए निभाने की। शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए।